अभी मैं हूँ FMG सेक्टर, जहाँ आज सीएम पेमा खांडू के साथ यहाँ के जो लोकल MLA थे चिकासो, ये जो मेरे पीछे देख सकते हैं ब्रिज इनोग्रेशन करने वाले हैं। आज का जो फंक्शन था सवेरे का छोटा सा एक फंक्शन था, मगर हमारा ईटानगर के वासियों लोगों के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है। PWD डिपार्टमेंट द्वारा ये RCC परमानेंट स्ट्रक्चर पिछले एक साल विदिन वन ईयर का टाइम स्पेन में कंप्लीट हो गया और आज सवेरे उसका इनोग्रेशन भी हो गया। तो ये ब्रिज से चलते अभी हमारा यहाँ पे जो खास करके ट्रैफिक कंजेशन है, हमारा RK मिशन हॉस्पिटल से लेके बैंक तिनाली तक जो काफ़ी रश एरिया होता है, तो इस ब्रिज का कारण से अभी ट्रैफिक काफ़ी कम होगा, ये हमें उम्मीद है। अभी आने वाला दिनों में और भी डिपार्टमेंट के माध्यम से, PWD डिपार्टमेंट के माध्यम से जो हमारा ESS सेक्टर में जो रोड है वो जो लैंडस्लाइड होके बैठा है उसको भी काम ऑलरेडी शुरुआत हो चुका है, और डिपार्टमेंट ने हमें ब्रीफिंग दिया कि बाय मार्च 2020 ESS सेक्टर का रोड भी वो ठीक कर देंगे, और जब वो रोड भी जब ठीक हो जाएगा तो ट्रैफिक और भी ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाएगा। और इस फिनेंशियल ईयर आप सबको देखने को मिला कि इस बार का जो बजट में हम लोग ने खास करके कम्युनिकेशन सेक्टर में बहुत ही फोकस करके हम लोग ने बजट अनाउंसमेंट भी किया है, जिसमें से चीफ मिनिस्टर्स कॉम्प्रिहेंसिव रोड नेटवर्क प्लान हम लोग PWD डिपार्टमेंट का माध्यम से फ्रॉम 2019 से लेके 2024 तक जितने भी हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जो रोड्स है, इंटरनल रोड्स है, उसको हम लोग आने वाला 5 सालों में ठीक करेंगे। इसके बाद जो हमारा इंडिपेंडेंट ADC हो गया, इसके बाद इवन सर्कल ऑफिस तक का जो रोड है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि विद इन स्पैन ऑफ 5 ईयर्स का टारगेट लेके हम लोग कंप्लीट करेंगे। और इस बार हमारा यहाँ PWD डिपार्टमेंट का माध्यम से ईटानगर और नाहरलगन में जितना भी जो सेक्टोरियल रोड्स है उसके लिए भी हम लोग ने 5 ईयर प्लान हम लोग ने बना दिया है, और इस बार हम लोग ने 100 करोड़ ईटानगर और नाहरलगन का सेक्टोरियल रोड्स को ठीक करने के लिए हम लोग ने फंड रखा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश जैसे हम सबको पता है कि यहाँ में मानसून बहुत लंबे स्तर तक, लंबे महीने तक यहाँ पे मानसून बारिश होता है, मार्च से लेके अभी कुछ ही दिन पहले तक, एक दो दिन पहले तक ही यहाँ पे बारिश था, तो करीबन 8 महीना जैसे यहाँ पे 7-8 मंथ्स यहाँ पे पूरा मानसून होते हैं, इसलिए बाहर में कंस्ट्रक्शन वर्क हो या चाहे रोड का काम हो काफ़ी कैरी आउट करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है, मगर डिपार्टमेंट अभी थोड़ा सा सीरियस है, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन नेटवर्क को हम लोग टॉप प्रायोरिटी में हम लोग उसको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। सर जैसे कि लास्ट ईयर 2018 में टूर्नामेंट सर ने एक प्रेस ब्रीफिंग रखा था जहाँ पे उन्होंने कहा था कि मार्च 2019 तक हाईवे कंप्लीट हो जाएगा ईटानगर टू पापुनाला, और साथ ही साथ आपका रीजन, आपका इंटरव्यू में आपने कहा था कि सितंबर तक ब्लैक टॉपिंग हो जाएगा, तो अभी तक हुआ नहीं, तो सर अपडेट क्या है सर उसको? हाँ, ये खास करके हमारा जो जो फोर लेनिंग का जो काम है ईटानगर से नाहरलगन का, अभी फिलहाल जो फर्स्ट पैकेज जहाँ पे टेंडर भी होके जो काम चल रहा है, इसमें डिपार्टमेंट हम लोगों का डायरेक्टली PWD डिपार्टमेंट का कंट्रोल में तो नहीं है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये प्रोजेक्ट है, लेकिन खैर जिसका भी प्रोजेक्ट हो लेकिन अपना स्टेट में हो रहा है तो हम लोगों को भी इन्वॉल्व होके उसको सुपरविजन हम लोगों को ज़रूर करना चाहिए। तो मैंने अभी ऑलरेडी इस रोड को अपना CMO से, चीफ मिनिस्टर ऑफिस से हम मॉनिटर करेंगे बोल के मैं अपना एक छोटा सा कमिटी भी बनाया, जिसमें हमारा CMO से सीनियर ऑफिसर्स लोग उस कमिटी में हम इंक्लूड करके, तो कभी कभी मैं रात को भी उस कमिटी को भेजता हूँ कि रात में भी काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कल परसों का एक रात को भी एक टीम विजिट किया और रात को भी बहुत जगह में देखा कि काम भी हो रहा है और कुछ कुछ जगह में काम नहीं भी हो रहा था, तो मैंने कहा है कि जहाँ जहाँ काम नहीं हो रहा है फिर कॉन्ट्रैक्टर जो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर है उसको इंटीमेट किया जाए कि उस पैच ऑफ चेनेज में काम नहीं हो रहा है। तो थोड़ी देर पहले मैंने जैसे कहा है कि यहाँ में मानसून के कारण से जो बाहर में काम करने के लिए बहुत दिक्कत फेस करना हम सबको मिलता है, तो कॉन्ट्रैक्टर का भी यही कहना है कि बारिश के कारण से जो ब्लैक टॉपिंग का जो काम है वो शुरुआत कर नहीं पा रहा है, और उनका मुताबिक जो ब्लैक टॉपिंग के लिए जितनी भी जो मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट है वो मटेरियल्स का पूरा स्टॉकिंग स्टैकिंग करके रखा हुआ है, तो उसको भी मैंने कमिटी को भेजा है कि वाकई में
वहाँ पे स्टॉक करके रखा है कि नहीं रखा है उसको वेरीफाई करके आने के लिए। तो कमेटी ने हमें रिपोर्ट दिया है कि जो ब्लैक टॉपिंग के लिए जितने भी जो मटेरियल्स चाहिए वो पूरा स्टॉकिंग करके रखा हुआ है। तो अभी मौसम का ही इंतज़ार था, तो अभी होपफुली अभी आज अक्टूबर 14 हो गया, तो अभी से शायद मौसम जब अच्छा जब होने लग गया तो आई थिंक विद इन 2 मंथ्स कॉन्ट्रेक्टर ने कहा है कि विद इन 2 मंथ्स ईटानगर नाहरलगुन को ब्लैक टॉपिंग करके दे देंगे। एक क्वेश्चन रहेगा लास्ट, जैसे कि सर जब भी हाईवे कहीं भी बनता है तो अभी हमारा जो होलोंगी से चंदनगर जो बना है अनऑफिशियली वो हैंड ओवर हो चुका है, यूज़ में भी है, लेकिन सर 2013 से लेकर 2016 के बीच में बन के वो हैंड ओवर अनऑफिशियली वो रन कर रहा है, तो विद इन 3 ईयर्स सर उसका कंडीशन आप देख सकते हैं किस तरीके से 70% लैंड स्लाइड में जा चुका है। तो सर ये रिकॉर्ड है ऑल ओवर इंडिया में 4 लेन इस तरह से डिजास्टर हुआ, तो उस पर क्या कहना सर? ये जो होलोंगी टू ईटानगर जो 4 लेन है, लास्ट एक साल में काफ़ी डिस्ट्रक्शन हुआ है ड्यू टू मानसून, काफ़ी लैंडस्लाइड होके कई जगह में तो पूरा रोड ही चला गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हाईवे जो डिपार्टमेंट होता है उनको मेंटेनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को करना होता है। तो रिसेंटली हमारा जो जनरल वी के सिंह ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हाईवेज का जब आए थे तो उनके साथ में भी चर्चा हुआ है और हम लोग ने रिक्वेस्ट प्लेस किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हमारा हाईवे को मेंटेन करने के लिए प्रॉपर फंडिंग किया जाए। तो इसको अभी मैं फिर दोबारा मैं फॉलो अप करेंगे। साथ ही PWD वेस्टर्न जोन के चीफ इंजीनियर कातुंग वागी जी, चलिए उनसे जानते हैं ये ब्रिज में कितना कॉस्टिंग हुआ, साथ ही साथ कितना महीना लगा। गुड मॉर्निंग सर। यस मैडम। सर ये ब्रिज बनने के लिए ऑलमोस्ट 1 ईयर लग चुका है और इसके वजह से ट्रैफिक जाम भी बहुत यहाँ कैपिटल में, तो अभी ये ब्रिज के बारे में थोड़ा डिटेल बताइए कितना लगा और कितना समय लगा इसे बनने के लिए। मैडम ये है ब्रिज, आपने बोला है कि 1 साल लगा, 1 साल नहीं लगा, जिस दिन हमने इसको काम अवार्ड किया है और आज का दिन में ये 10 महीना हुआ है और ये हमारा 3.4 करोड़ का एस्टिमेट था और हमने इसको टेंडर कॉल करके 3 करोड़ में हमने इसको काम अवार्ड किया है और ब्रिज समय में बनाया है। हमें बहुत खुश है और ये कैपिटल वासियों के लिए बहुत अच्छा एक गिफ्ट है। सर जैसे कि ये तो ये ब्रिज रहेगा जिससे ट्रैफिक जाम में थोड़ा लूज रहेगा अभी ईटानगर के अंदर में, लेकिन सर हमें देखने को मिलता है जो कॉलोनी रोड्स में मतलब अभी तक मेंटेनेंस ऐसा तो चल रहा है, ऐसा नहीं कि काम नहीं हो रहा, लेकिन सर काफ़ी यहाँ पे ESS सेक्टर हो गया, धोनी पोलो जो रोड्स हो गया, इवन जो हमारे SP ऑफिस से जो अंदर जाते हैं वो कैपिटल ऑफिस वहाँ में भी हालत ख़राब है, इवन जो गंगा लेक के तरफ जाने जो टूरिज्म सेक्टर है, तो वो रोड कब तक बनने का क्योंकि CM जब आपके साथ में रिव्यू मीटिंग रखा था उनका था कि सेप्टेम्बर तक कॉलोनी रोड्स भी पूरी तरीके से बन जाना चाहिए था सीमेंटेड वर्क, तो उस पर सर क्या काम चल रहा है सर? इसमें चीफ मिनिस्टर्स का कॉम्प्रेहेंसिव जो रोड प्रोग्राम है उसमें हम लोग को 100 करोड़ रखा गया है और मुझे लगा कि शायद गवर्नमेंट ये बढ़ा भी सकता है। 100 करोड़ में इस साल का हम लोग का प्रोग्राम है 32 किलोमीटर का रास्ता इम्प्रूव करने के लिए, इम्प्रूव इन अपग्रेडेशन होगा जिसमें कि हम लोग बिटुमिनस कॉन्क्रीट रोड होगा और आपका CC रोड होगा, इस तरह का काफ़ी प्रोविजंस है, कुछ कुछ जगह में हम लोग इंटरलॉकिंग भी करने को जा रहे हैं, तो ये काफ़ी आपको देखने को मिलेगा अभी 1 महीना के बाद में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा रास्ता में। इतना दिन तो आप देख ही रहे बारिश की वजह से, ये जो ब्रिज इनॉग्रेशन हुआ ये तो कल ही हमको धूप मिला है, परसों तक तो बारिश ही था, ये जितना भी हुआ है एक दिन में हम लोग ने मैनेज किया है। दूसरा है आपका कैपिटल में जितना भी रोड है जितना भी डैमेज हो रहा है आप तो देख ही होंगे, मैक्सिमम जितना भी है आपका मैन मेड है। दूसरा है ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम है आपका पार्किंग की वजह से, जब मैं जाता हूँ बैंक कॉलोनी से अपेक्स बैंक कॉलोनी से जब हम जाता है अबोतानी कॉलोनी में आप खुद देखते होंगे दोनों साइड में पार्किंग है, ये है रोड इतना है आप आराम से डबल लेन है 3 गाड़ी जा सकते हैं एट ए टाइम, लेकिन 2 साइड में पार्किंग होने का वजह से सिर्फ 1 ही गाड़ी जा पाता है एट ए टाइम, तो एक एंड में जाके दूसरा एंड तक आपका ट्रैफिक इतना तकलीफ हो जाता है। अगर इसमें ट्रैफिक पुलिस वगैरह अगर थोड़ा सहयोग करे और पार्किंग का नॉर्म्स को थोड़ा सा इन लोग अगर स्ट्रिक कर देता है मेरा ख्याल से कैपिटल में कोई कंजेशन नहीं है, ट्रैफिक कैन ईजिली फ्लो, बट ओनली थिंग इज दैट हम लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन नहीं ले आ पा रहा है। जी सर अभी आपने कहा कि मैनमेड हो रही है आर्ट कटिंग हो रहा है, तो सर उसके लिए PW डिपार्टमेंट क्या कर रहा है क्योंकि नेचुरल कम यहाँ पे ज़्यादातर आर्ट कटिंग की वजह से मतलब मैनमेड ही हो रहा है, तो जिसके वजह से बहुत सारा मतलब हाईवे सिर्फ नहीं जो कॉलोनी बाईपास है वहाँ पे भी मतलब आदमी को यहाँ के जो लोकल पीपल उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो आर्ट कटिंग के लिए क्या कर रहा है सर जो मैनमेड है? सर आर्ट कटिंग देखिए ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, मेरा काम नहीं है, मेरा रास्ता बनाना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लास्ट टाइम भी आपने देखे होंगे आपका शंकी भी पूरा कट ऑफ था, एक जो पर्सनल जिसका वॉल बनाया है वो वॉल कॉलेप्स करके आ गया रोड में आ गया है और वो कॉलेप्स किया हुआ मतलब वॉल को उठाने के लिए हमको क्रेन ले आना पड़ा है। ये जो आदमी अगर हम बोलेगा कि वो आदमी को रेस्पॉन्सिबल फिक्स करो
जितना भी खर्चा हुआ उनसे ले लो, गवर्नमेंट ये करेगा नहीं। और सारा बोलता है कि पीडब्ल्यूडी का ऊपर में ही आ जाता है, फिर हमको क्रेन ले आना पड़ा दो तीन, क्योंकि इतना तंस है उसका, आपका जेसीबी से उठाया नहीं जा सकता है, उसको कंक्रीट ब्रेकर से लेके पूरा तोड़ के उसको उठाना पड़ा। ये सब जो है प्रॉब्लम है, इट्स ऑल मैन मेड। अगर वो वॉल अगर डिज़ाइन के हिसाब से किया होता शायद नहीं गिर जाता, लेकिन यहाँ में सब अपना सब अर्जेंसी है, अपना खुद कर लेता है, उसका बाद जब भी आता है पीडब्ल्यू का रोड पर फेंक देता है। तो क्लियर करना हमारा है, यही हमारा सबसे बड़ा। सर आखिर में यहाँ के जो लोग हैं आप उनको कब मतलब एक एश्योरेंस या आप बता पाएंगे कि जो यहाँ के कॉलोनी रोड्स है ईटानगर स्पेशली ट्विन कैपिटल कब तक कंप्लीट हो जाएगा, मेंटेनेंस ठीक हो जाएगा कॉलोनी रोड्स? सर मेंटेनेंस तो हम लोग जारी है, आपको ऐसा नहीं लगा होगा कभी भी रास्ता जो एक दिन के लिए भी कोई रास्ता ब्लॉक हुआ हो, जितना भी बारिश हुआ मानसून हुआ और इतना सारा टोरेंटियल मारप का जो ये बारिश होते रहता है यहाँ में, उसका बावजूद सर पोर्ट होल्स का बारे बात कर रहे थे। सर पोर्ट होल्स तो देखिए मैं पहले भी बोला है, जितना भी हमारा ड्रेन है जहाँ में हम लोग पानी को बहाता है वो ड्रेन को सारा ब्लॉक करके रख देता है, वो इट्स मैन मेड। और ये ब्लॉक को जब पोर्ट होल्स क्या बोलता है आपका जो ड्रेन को जब ब्लॉक कर देता है, पानी जो है रोड में आना शुरू हो जाता है और नाउ रोड बिकम्स रिवर। जब नदी बन जाता है हमारा रिवर ये रोड, तो फिर पोर्ट होल्स तो होना ही है निश्चित। वो जब हमारा जब तक आदमी लोग यहाँ जो रह रहे हैं वो जब तक अवेयर नहीं होगा कि रोड जो बना है इसका रोड का पानी को नाला में जाने देना है, नाला ब्लॉक नहीं करना है, तो नाला सब ब्लॉक है और वहाँ में सब अपना अपना कोई कोई एनक्रोच करके बनाया घर, कोई कोई वहाँ में अपना डंपिंग कर देता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसी की वजह से हमारा रोड में काफ़ी डैमेजेस आता है, जो कि उनका जो टेन्योर है जो 2 साल होना चाहिए 3 साल होना चाहिए वो 6 महीना तक ही सह पाता बिकॉज ऑफ आवर मैन मैन।